नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी क्रिसमस आने ही वाला है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये सेंटा की ड्रेस बनाई है। तो अगर आप ये ड्रेस सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आज हम जो सेंटा के जो नीचे का जो पाजामा टाइप होता है ये वुलन का बनाया हुआ है और इसमें जो है रेड कलर के वुल का यूज़ किया है और वाइट कलर का भी वुल का यूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रेस को सीखना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ताकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो मैंने कुछ सामान जो चाहिए वो आपके सामने ही रखा हुआ है और आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं। इसके लिए रेड कलर का ऊन, वाइट कलर का ऊन और जो है सुई ली है निडल, और उसको भी वाइट कलर के धागे से ऊन से किया हुआ है, एक वाइट पॉम और टिकटॉक पिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो, कैची और 11 नंबर के जो है मैंने क्रोशिया का यूज़ किया है। दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहले आपको 32 चैन बनानी है। 32 चैन बनाने के लिए पाजामा जो है रेड कलर का ही है और इसके लिए आपको हल्का सा इस तरह से ऊन को मोड़ते हुए और 32 बार चैन बनानी है। इसको जैसे ही आप ऊन को खींचेंगे तो आपका जो यहाँ गांठ लग जाएगी और आपको 32 बार जो है चैन बनानी है। 32 चैन बनाने के बाद में हमें लास्ट में कॉर्नर की साइड में 3 घर लेने हैं। ये मैंने 32 चैन बना लिया है, अब मैं इसके कॉर्नर के साइड में जो है 3 घर और 3 बार और चैन बनाऊंगी। 3 बार चैन बनाने के बाद में जिससे हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है, मतलब जैसे 3 घर यहाँ पर, यहाँ से हमें फिर से डालकर क्रोशिया को और जो है अपना आगे बुनना है। और इसी तरह से एक एक्स्ट्रा ऊन लेते हुए फिर क्रोशिया को अंदर डालते हुए जो है फिर से एक घर लेना है। इस तरह से करना है हमें। दोस्तों, आप अच्छे से देखिए, आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमें पूरा जो है इस चैन को पूरा 32 जो हमने घर लिया है 32 ही रखना है। अगर आप काउंट करके बनाएंगे तो आपके लड्डू गोपाल जी को ये छोटा बड़ा नहीं होगा। इसे 32 बार जो है बुनना है, यानी आप काउंट करके ही कीजिए। लास्ट में कॉर्नर की साइड में 3 चैन हमें एक्स्ट्रा लेना है और फिर उसी के अंदर से क्रोशिया को डालते हुए जो है हमें उनको अंदर से निकालना है। इस तरह से ही बाद में हमें पूरा इसको बुनना है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी ये उनको एक्स्ट्रा लिया और अंदर डालते हुए जो है इसको निकाल लिया। इस तरह से इसको जो है पूरा जो है ये जो 32 चैन है इसको 32 घर को हमें पूरा कंप्लीट करना है। ऐसे जो है 2 बार ये हो रहा है और मुझे ऐसे 4 बार करना है, तो उनका जो कमर का जो हिप का जो साइड है वो पूरा अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने 4 बार, आप देख सकते हैं, ये बुन लिया है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये 4 बार बुना हुआ है और ये काउंट भी करके आपको दिखा दूँगी मैं, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं ये 4 बार ऐसे बुनने के बाद में वही कॉर्नर की साइड में आपको फिर से जो है 3 बार लेना है और फिर उसी को अंदर इस तरह से 3 बार लेने के बाद में आपको जो है अंदर से डालते हुए और निकालते हुए क्रोशिया को 16 घर बुनने हैं। अब दोस्तों, अब हमें जो है 16 घर बुनने हैं। हिप का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में हमें जब बुनना है तो 16 घर बुनने हैं। काउंट करके ही बुनिएगा। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए जो है पाजामा टाइप बन रहा है, सेंटा वाला जो पाजामा होता है वो। और इसे भी आप देखिए, एक जो है ऊन को एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद क्रोशिया को अंदर डालते हुए और फिर हमें जो है बुनना है। इसमें ना तो हमें घर बढ़ाना है और ना ही हमें कम करना है। इसमें 16 होगा, उसके बाद जो है 15 होगा, फिर 14 होगा, फिर 12 होगा, फिर 10 होगा। इस तरह से हमें जो है ये पूरा जो है कम करते हुए चलना है। पहले 16 होगा, फिर 15 होगा, फिर 14 होगा, फिर 12 होगा, फिर 10 होगा। इस तरह से आपको जो है ये पूरा जो है एक एक जो है लाइन चलनी है, क्योंकि पोर्शन नीचे का जो है वो कम होता जाएगा और 10वां जो है उसको आप लास्ट में एक बार और बनाएंगे और तब हमें वाइट ऊन का लेना है। मैं एक बार आपको पूरा जो है, जो लोग पूरा वीडियो ना भी देख रहे हो ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं ये चीज़ जो है जो भी प्रोसेस है उसे पूरा एक बार आपको बता रही हूँ। ये हो चुका है 16 घर मेरा। अब मैं साइड में फिर से जो है 2 घर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं 2 बार चैन लिया,
फिर अंदर से किरोसिया को डालते हुए और यहीं से ही आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है 15 बार बुनना है, यानी एक घर आप बीच में कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा, छोड़ के अगला बुनेंगे तो एक घर जो है आपका कम हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी कम कर सकते हैं। हर एक लाइन में एक कम होगा 3 बार और फिर आगे 2 कम करना है। इसी तरह से जो इसमें 15 घर बुनेंगे, 15 घर बुनने के बाद में इस जो लाइन को है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों 15 घर बुनने के बाद में 15 घर जो है मैंने बुनना हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होगा, और इसके बाद की जो लाइन है उसमें 14 घर लेना है और ये कंप्लीट हो गया है 15 घर। और आप देख सकते हैं ये हल्का सा खिंचाव आ रहा है नीचे की साइड में। अब यहाँ पर फिर से वही 2 घर जो है यानी 2 चेन एक्स्ट्रा लेते हुए आगे बुनने हैं, सेम प्रोसेस से बुनना है, बस यहाँ पर 13 जो घर है वो बुनना है, यानी यहाँ एक और कम हो जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों 12 लेना है, फिर 10 लेना है। इस तरह से आप घर को काउंट करते हुए करेंगे तो आपको 6 नंबर के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको ये बहुत ही आराम से आ जाएगा। अगर किसी के लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो वो अपने हिसाब से जैसे जो भी उनके कमर या हिप की साइज़ है उसको देखते हुए ही आप जो है चैन वगैरह लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही कम भी करना है आपको। तो आपके जो छोटे लड्डू गोपाल जी उनके हिसाब से भी आप बना सकते हैं सेंटा की ड्रेस, क्योंकि क्रिसमस है तो लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा स्पेशल फील कराना पड़ेगा। और दोस्तों ये भी हमारा जो है पूरा हो चुका है, यहाँ मैंने 13 जो है घर लिया है, और यहाँ पर फिर से कॉर्नर की साइड में 2 घर लेते हुए और फिर आगे उसी से ही सेम उसी तरह प्रोसेस सेम है, क्योंकि ये जो है एक सेंटा का ड्रेस बन रहा है, तो सेंटा का ड्रेस जो होता है पाजामा वो थोड़ा लूज रहता है, वो बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं रहता, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको भी थोड़ा सा लूज रखना है। और सेंटा की ड्रेस है तो रेड कलर का ही जो है मैंने ऊन का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में इनका जो है वो भी दिखा दिया है कि वो पहन के कैसे लग रहे हैं। तो इसे जो है कंप्लीट करेंगे, अब ये जो है 12 बार जो है इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर जो है इसको 10 बार करना है, 10 घर बुनना है इसके बाद की रो में, और वही सेम प्रोसेस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा जो है कम हो चुका है मेरा, और नीचे के पोर्शन में यहाँ मैंने 1 घर यहाँ छोड़ दिया है, और ये मेरा जो है कम्प्लीट हो ही चुका है। लास्ट दोस्तों यहाँ से ये पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा जो है यहाँ पर जो मतलब 12 घर कंप्लीट कर लिया है, यानी 6 यहाँ और 6 आगे और 6 पीछे, और यहाँ पर जो है फिर से मुझे जो है 1 रो और बनानी है, और 1 रो जो करने के लिए सेम वही सेम प्रोसेस है, 2 चैन जो है कॉर्नर की साइड में लेते हुए, और यहाँ पर जो है 10 घर लेने हैं। अब 10 घर बुनना है, और 10 घर जो एकदम नीचे का हो जाएगा पोर्शन, और इसको बुनने के बाद में मैं आपको फिर से जो है नया प्रोसेस वो बताऊंगी। ये जो है एक साइड का बुन रहा है, ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी सेम ही प्रोसेस से बुनना पड़ेगा। ये मेरा कंप्लीट हो जाने वाला है, थोड़ा सा बाकी है बस, मैं अभी वीडियो बिल्कुल भी फास्ट करके नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स है वो काफ़ी जन ने बोलते हैं मैडम आप फटाफट से बता देते हो तो समझ में नहीं आता है, ताकि ये क्योंकि एक सिलाई बुनाई का काम है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब ये नीचे के पोर्शन में आप देख सकते हैं ये कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ 10 रो जो है पूरा कम्प्लीट किया है मैंने। अब ये यहाँ से मैं जो है उनको काट लूँगी, और लास्ट वाला जो वो भी 10 ही बनेगा, और यहाँ पर जो है वाइट कलर का ऊन लगाना है, तो पहले मैं इधर से बुन लेती हूँ और बाद में जो है साइड वाला बुन लूँगी, दूसरे साइड का जो पैर का जो हिस्सा होगा पाजामा का वो, और सेम प्रोसेस से मैं इधर भी बुन के आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों ये मैंने दोनों बुन लिया है, आप देख सकते हैं, और अब जो है अब ये बुनने के बाद कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी लूज आएगा उनको, ज़्यादा जो है टाइट फिटिंग इसमें नहीं करना है। अब यहाँ कॉर्नर की साइड में मैंने आप देख सकते हैं यहाँ जो है छोड़ रखा है, क्योंकि इधर की साइड में तो दोस्तों जोड़ लेंगे, और उधर से मैं और उधर दोस्तों मैंने जो है रेड ऊन छोड़ रखा है, तो इस साइड से मैं जो है वाइट ऊन को जोड़ते हुए मतलब गांठ लगा लूँगी पहले, और उसके बाद में जो है यहाँ से जो वाइट लेयर जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जोड़ लेती हूँ।
तब तक। और जो यहाँ अच्छे से गांठ लगा लीजिएगा ताकि यहाँ से खुले नहीं। और यहाँ जो है डबल क्रोशिया होगा। नॉर्मल जो पाजामा पैंट होते हैं लड्डू गोपाल जी के, वो थोड़ा सा फिट रहता है, लेकिन आज का जो पैंट है वो हमेशा मैं 30 घर से स्टार्ट करती हूँ, बट आज का 32 से किया है। और ये हमेशा आप देखिए एक घर के अंदर से डबल बार लेना है। डबल बार लेते हुए फिर उसके बाद में एक ही घर के अंदर से दो बार डबल क्रोशिया करते हुए इसको आगे चलाना है। दोस्तों सेंटा क्लॉज का जो है पैंट बन रहा है, सेंटा क्लॉज का जो पैंट है वो थोड़ा सा लूज रहता है, तो इसी हिसाब से मैंने जो इसे थोड़ा सा लूज रखा है। तो 32 घर इसीलिए मैंने 32 चेन से स्टार्ट किया था। और इसे आप देख सकते हैं मैं एक एक जो है घर के अंदर से डबल क्रोशिया कर रही हूँ, और एक बार जो है फिर ये बंद करते हुए फिर एक चैन जो है इस तरह से आगे बढ़ा रही हूँ। ये पूरा इसी तरीके से दोनों साइड से मैं सिलूँगी, दोनों साइड का सेम ही सिलना है। और सिलने के बाद में जो है फिर बाद में रेड कलर से जो है कॉर्नर वगैरह सब बंद करूंगी। तो जब तक मैं इसको करती हूँ उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से अंदर इसको करना है, और एक ही घर के अंदर से दो बार निकालते हुए इसे आगे कंटिन्यू करना है। और फिर इसी तरह से ही आपको शायद ये देख के पता चल भी रहा होगा कि किस तरह से, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको एक बार में वीडियोज़ ना पता चले तो आप दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार में ना पता चले कि किस तरह से हो रहा है। वैसे बहुत ही इजी है सेंटा क्लॉज का पाजामा बनाना, नॉर्मल जो जैसे पाजामा बनता है उसी तरीके का ही है, बस थोड़ा सा लूज रहता है। और किस तरह से उसे करना है, बस यही सारी छोटी छोटी बातों से ही आपका जो है बहुत ही अच्छा लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे से पाजामे रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा जो है सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से जो मैं दोनों को यहाँ मैं काटूंगी नहीं, पहले इसके अंदर से डालते हुए आप देख लीजिए, और उसके बाद में यहाँ से बहुत ही अच्छे से इसको लॉक कर देंगे इसके अंदर से, यहाँ से डाल के और यहाँ से धागा खींच लेंगे। और धागा खींचने के बाद में इसके अंदर से चैन को निकालते हुए और ये यहाँ से बंद हो जाएगा, ताकि हमें बाद में इसको स्टिच नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जो है इसे बंद कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ से मैंने यहाँ से लॉक भी कर लिया है, और बाकी इसमें सिलाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है और वो नया क्रोशिया बुनना सीख रहा है तो वो यहाँ से सिल भी सकता है। अब ऐसा ही ऐसा मुझे सेम जो है वाइट कलर का इधर दूसरे साइड भी करना है, तो मैं दूसरा साइड करके आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ। और फिर इसे किस तरह से बंद करना है या किस तरह से पाजामा का लुक देना है, जिस तरह से मैंने इस साइड में जो है क्रोशिया से बंद किया था, उसी तरह से इस साइड भी मैंने आप देख सकते हैं बंद कर लिया है। अब रेड धागा जो मैंने यहाँ छोड़ रखा था, वहाँ से वापस क्रोशिया को अंदर डालते हुए और दोनों जो पोर्शन है एक साथ इकट्ठा करते हुए और अंदर से डाल के और यहाँ से फिर से निकाल लेंगे। तो यहाँ से पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा, तो आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है सुई धागे से भी, सुई और ऊन की मदद से, रेड कलर के ऊन से ही आपको यही चीज़ सिलनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रोशिया से कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इसको थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है, धागे को लूज़ रखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा लूज़ रह जाता है। तो इसे बिल्कुल टाइट जैसे सुई धागे से सिलते हैं उसी तरीके से इसे अंदर डालना है और दूसरा धागा खींच लेना है। बस इसी तरीके से इसको पूरा जो वी शेप आएगा नीचे के पोर्शन का, उसको पूरी तरह से दोनों साइड से जो है बंद करना है। आप देख सकते हैं यहाँ तक हो चुका है। ये थोड़ा सा आराम से करना होता है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा ईजीली जो है बताने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से ही इसको बुनना है। और अब ये दूसरे पैरों की साइड में आ चुकी हूँ, और इसे भी इसी तरह से सेम अंदर की साइड में डालना है, और डालने के बाद में ऊन को खींच लेना है, और इसी तरह से ही दूसरे साइड भी मैं बुन लूँगी। तो दूसरा भी मैं कंप्लीट करके फिर दोस्तों आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा वी शेप जो है कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं यहाँ से बंद करने वाली हूँ। और इसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है सेम इसी तरीके से ही इसको भी बंद करना है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे से आपको गांठ लगा लेना है धागे के साथ में, जो ऊन है उसके साथ में अच्छे से बंद करके। और दूसरा जो धागा है वो हमें ऊपर की साइड में जो धागा छोड़ा हुआ है वहाँ से हमें जो लगा कर, और उसके बाद में सेम प्रोसेस से ऊपर की साइड में भी हम लोग जो है क्रोशिया की मदद से इसको भी बंद करेंगे। तो हमारा जो पाजामा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो एक
चैन बना सकते हैं बड़ी सी, जैसा मैं बनाने वाली हूँ। इसको पहले यहाँ से अटैच कर लीजिए और अटैच करने के बाद में यहाँ से कट लगाकर, और फिर दोस्तों ये अंदर और बाहर जैसे मैंने ऊपर सिला है, मतलब क्रोशिया की मदद से इसको भी बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि इसको बस थोड़ा सा टाइट करना होता है, क्योंकि यहाँ आप लूज़ नहीं छोड़ सकते। लूज़ छोड़ेंगे तो यहाँ ऊन है, तो ये बाद में आप जब लड्डू गोपाल जी को पहनाने जाएंगे तो ये और भी ढीला होता जाएगा, तो वो आपको फिर से टाइट करना होगा। इसी तरह से इसको अंदर से इस तरह से डालने के बाद में, जो ऊन को अच्छे से टाइट तरीके से खींचने के बाद में, और फिर यहाँ से निकाल देना है। इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करके बुनना है, और मैं ये बुनने के बाद में आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा पाजामा रेडी हो चुका है। अब मैं एक वाइट कलर का जो है बड़ा सा चेन बनाने वाली हूँ, जो एकदम नाड़े की तरह काम करेगा। और पहले मैं इसकी तरह से मोड़ते हुए और ये इस तरह से लॉक कर लेंगे, ये इसको जब खींचेंगे तो आपका जो है ये बंद हो जाएगा। और फिर एक ही घर के अंदर से आप 2-3 बार अगर निकालेंगे तो एक साइड में जो है बंद टाइप का पोर्शन हो जाएगा, हल्का सा वो निकलेगा नहीं जो गार्ड करेगा। तो 2-3 बार अगर आप उनको एक ही घर के अंदर से निकालेंगे तो वहाँ से ये थोड़ा सा फूलने जैसे स्टाइल में हो जाएगा, और आपका जो है ये बिल्कुल भी आप इधर उधर खींचेंगे तो भी ये निकलेगा नहीं। और कम से कम 50 से 60 चेन आपको बुनना है। 50 से 60 चेन में बुनने के बाद में आपके साथ फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक ही घर के अंदर से ले रही हूँ, और ऐसा मैं 3 बार ले लूँगी ताकि एक जो है पॉम्पम टाइप का बन जाए। एग्जैक्टली ये पॉम्पम नहीं होगा लेकिन एक पॉम्पम जैसा दिखेगा, क्योंकि वाइट जो लुक है वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बन रही है, तो पॉम्पम उनके टोपी में भी रहेगा, तो नीचे भी अगर पॉम्पम जैसा कुछ रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत सा अलग और डिफरेंट दिखेगा। और ये हो चुका है मेरा, मैंने 3 बार जो एक घर के अंदर से 4 बार निकाला है और वैसा 3 बार बनाया है, और ये फूल गया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 60 चेन बनाने वाली हूँ। 60 चेन बनाना है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप 50 भी बना सकते हैं या 40 भी बना सकते हैं। मेरे 6 नंबर के हैं तो उनके कमर के हिसाब से, और रस्सी लटकेगी भी बांधने के बाद भी थोड़ा सा, तो इसी तरीके से मैं 60 जो है चेन बनाकर आपके साथ फिर से जो है शेयर करती हूँ। और इसे जो है अंदर डालना भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको जो है डालना है। ये मेरा जो बन चुका है, लेकिन मैंने दूसरे साइड जो है उस तरह से जो पॉम्पम जो बनाना है वो अभी तक बनाया नहीं है। पहले आपको इसके अंदर डालना है और उसके बाद ही दोस्तों जो है वो दूसरे साइड का भी मैं बंद कर दूंगी। इसे इस तरह से आप एक ही लाइन रखिएगा, जो हम डोरी डाल रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे आपने डाल दिया तो वो लुक में बहुत ही गंदा सा दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से इसको निकाला है, और उसी जो रॉ है उसी जैसे 4th रॉ में अगर मैं डाल रही हूँ तो 4th में ही मैं पूरा जो है निकालूंगी। तो आप एक अच्छा सा आइडिया लगा लीजिएगा, उसके बाद ही जो इसको जो अंदर डालिए। इस तरह से इसको डालते हुए जो है खींच लेना है, और आगे से आगे जो जैसे बेल्ट चलती है हमारे कपड़ों के अंदर या जो भी हम लोग डालते हैं, उसी तरह से इसको डिज़ाइन देना है। थोड़ा सा डिज़ाइन तो क्या मतलब, इसे उसी तरीके से ही आपको डालना है ताकि ये बिल्कुल उसी तरह का लुक लगे कि कोई बेल्ट इसके अंदर डाली हुई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस तरह से। और आप 2 घर जो है मैंने वाइट धागा इस तरह से रखा है, और उसके बाद एक जो है बेल्ट का पोर्शन नीचे गया है, और फिर ऊपर 2 घर लगा कर वाइट का रखा है। इस तरह से आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। जब तक मैं ये पूरा करती हूँ फिर आपको साथ जो है ये बाद में शेयर करती हूँ। इसको पूरा इसी तरीके से ही आपको डालना है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख के करना है कि ऊपर नीचे ना हो जाए, और इसी तरीके से इसको मैं पूरा जो है डालूंगी। दोस्तों ये मैंने पूरा डाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके जो दूसरा जो पोर्शन है कॉर्नर का साइड में, ऐसा ही हमें वापस थ्रेड को जोड़ते हुए, मतलब ऊन को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में उसी तरीके से सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये लटकन टाइप का लगाया हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर भी हमें बनाना है। तो बनाने के लिए यहाँ पर फिर से मैं ऊन को जोड़ लूँगी, और जोड़ने के बाद में दोस्तों सेम प्रोसेस से एक ही घर के अंदर से हमें पहले 4 बार निकालना है,
उसके बाद उसको बंद करना है, और उसके बाद में फिर उसको उस तरह से 3 बार करना है। सेम प्रोसेस से जैसा मैंने आपको अभी बताया है वैसा ही इसको भी उसी तरीके से ही बुनना है। बुनने के बाद में ये भी सेम लुक ही आएगा, वैसा ही पॉम्पम जैसा ही थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा, ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।